जय श्री राम। इस दोहा में संत कबीर जी इनको यह आपको समझाना है कि जीवन का एक कटु सत्य है, एक अटल सत्य है, और वह है मृत्यु। जैसे भगवद गीता में कहा है, जिनको जो जीव आता पृथ्वी पे आता है उनको एक ना एक दिन तो जाना ज़रूर है। मृत्यु यह एक जीवन का अटल सत्य है, और जो भी व्यक्ति मृत होता है उसे मिट्टी अपना लेती है या वो मिट्टी में मिल जाता है। यही बात वो अपने इस दोहे में कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदू तो है। अर्थात कुम्हार तो अपने हम सब जन जानते हैं कि कुम्हार यह मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, और बर्तन बनाते वक्त वह मिट्टी को आकार देते हैं। आकार देने के लिए एक गाड़े में रखते हैं और वो गाड़ा घुमाते हैं, और उस गाड़े में मिट्टी घूमती है। तो अपने इस दोहे में वो क्या कहते हैं कि मिट्टी यह कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे अपने गाड़े में डाल के घुमा रहा है, मुझको रोन रहा है, लेकिन देखना ऐसा एक दिन आएगा कि मैं तो तुझको रोन दूंगी या तू खुद ही मेरे में आके सिमट जाएगा या मेरे में आके मिल जाएगा। हम इसका तात्पर्य ऐसा भी ले सकते हैं कि हमको सभी जीव जंतु से या सभी व्यक्ति से अच्छी तरह से रहना चाहिए, अच्छी तरह से सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम हेतुजनक किसी भी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो ऐसा एक दिन तो ज़रूर ज़िंदगी में आता है कि वही व्यक्ति हमको उसी का फल देती है जो हमने उसके साथ बर्ताव किया है, या वही बर्ताव हमको सहन करना पड़ता है, और ये प्रकृति का एक नियम है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसा एक दिन आएगा मैं रोंदू तो है, मतलब मिट्टी कुम्हार को कहती है तू मुझको रोन रहा है, लेकिन ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं तुझको रोन दूंगी और तेरा जो घमंड है वो मैं तुझको बता दूंगी। जय श्री राम।